ढूंढते हैं, हम अवसर उनके पास आते हैं, पर कभी कभी हम अवसरों को नहीं पहचान पाते कि अवसर है और चला जाता है। आप कोई में से एक आध उदाहरण ऐसा दे सकते हैं अवसर का क्या आपको मौका मिला हो, आपके पिताजी को मौका मिला और चला गया? मैं बता सकता हूँ, बात कर आपके इस कॉलोनी में प्लाट कटे हुए हैं, उस समय भाव क्या था जिसका? चार हजार में भी ले सकते थे, पैसे भी हो गए, नहीं हो तो मैनेज हो जाता, ठीक है। वो अवसर था, हम उस अवसर को पहचान नहीं पाए कि यहाँ पे 8 लाख का प्लाट भी हो जाए, इसको बोलते हैं। ऐसे ही आज आपके पास एक अवसर है जो आपकी पूरी जनरेशन चेंज हो सकती है, पूरी जिंदगी बदल हो सकती है, तो आपको क्या है वो अवसर देखना, ठीक है। आप लोग स्मार्ट हो, यंग हो, तो थोड़ा समय पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप लोग जीवन में क्या चाहते हो। आप में से तीनों में से नहीं, आपसे पूछ सकता हूँ, यू आर तीनों के तीनों नए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए क्या चाहते हैं जीवन में, क्या चाहते हैं, कुछ है आपके पास ऐसा जो तुम सोच, जो भी सोच सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास पैसा नहीं है, ये नहीं सोचना, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको ये सोचना है कि आपको जीवन में चाहिए क्या। सब कुछ चाहिए। बोलो, क्या नाम आपका? शुभम। शुभम, मैंने पूछा शुभम, शुभम क्या चाहिए? सब कुछ ही चाहिए। तुम्हारा नाम अनिल है कि सुनील है बेटा? सर अनिल। अनिल, और आपका नाम? आकाश। आकाश, वेरी गुड। आकाश, हाँ आप बोलिए सुनो, क्या चाहिए आपको? एक दो तीन कुछ भी नाम ऐसे बताओ जो आपके जीवन में आप सोच, जो सोच रहे हो या नहीं सोचा और अभी दिमाग में आ रहा, तो भी बोल सकते हो। जीवन में आप कौन सी चीज़ ऐसी चाहते हो जो जीवन यदि मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी निहाल हो सकती है, बस मजे ज़िंदगी में, ये मिल जाए तो सब कुछ है। शोहरत, वेरी गुड, है ना। हाँ, और क्या चाहिए? बताओ और कुछ। नाम रूप में शोहरत में सारी चीजें आ जाती है, नाम रूप का शोहरत सब। आपको क्या चाहिए? मैच्योरिटी चाहिए। मैच्योरिटी की एक सक्सेसफुल लाइफ है और सफल जीवन, वो तो भगवान दे चुके सर, सफल जीवन है ना। सफल जीवन क्या होता है, किसको मानते हो? सफल जीवन किसको मानते हैं? एक आध नीचे बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बैठ जाओ, मैं खड़े सफल जीवन, सफल जीवन में क्या चीजें चाहिए, क्या किसको? मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों से भी नए हो, कि लाइफ में आप ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पाना चाहते हो? पैसे का टेंशन नहीं, नो वरी आप मनी, है ना, पैसे का कोई बिल्कुल चिंता नहीं। आप तो ये बताओ कि आपको जीवन में क्या चाहिए, टीचर होता है वो भी सफल हो जाता है, कोई चपरासी होता है वो भी सफल हो जाता है, ये अनिल ने दुकान खोली ये भी सक्सेस हो गए, है ना, ये तो ये खुश है, मतलब सक्सेस है, इनकी दुकान चल रही मतलब सक्सेस, इनके हिसाब से सक्सेस है, ठीक है। तो सक्सेस का क्या आप क्या समझते हो? सक्सेस है ना, आप क्या पैमाना मांगते हो, क्या उसका मीटर मांगते हो, आप क्या यूनिट मांगते हो? सर इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट हुई है। पढ़ रहे हो, वेरी गुड, हाँ कंप्लीट हो चुकी है सर। हाँ तो इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल हो जाए। हाँ तो आपने इंजीनियरिंग क्यों की? चलो मैं आपसे सवाल, इंजीनियरिंग क्यों की? वाय इंजीनियरिंग सर, एम था। क्या वो एम था, उद्देश्य क्या था आपका? इंजीनियरिंग करना सर, इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग करने का उद्देश्य था, तो क्यों उद्देश्य था ये बताओ?
क्यों उद्देश्य है, क्या कारण है, इंजीनियरिंग करके क्या करना चाहते हो, आपका क्या लक्ष्य है? सर टेक्निकल के प्रति सर ज़्यादा रुचि थी। हाँ टेक्निकल हो गया, अब आगे उससे क्या रुचि है आपको? यदि अच्छा जॉब दे दिया जाए, जॉब में कोई पैसे नहीं मिलेंगे, काम आपको खूब कस के दिया जाए, तो आप पसंद करोगे करना? आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको 12 घंटे जम के काम करो, मैकेनिकल टेक्निकल सब काम आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए पूरे डिपार्टमेंट का, पसंद करोगे कर? हाँ या ना उत्तर दो बेटा, कोई आपको इल्जाम नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ मैं। नहीं तो क्यों? यू नीड मनी, पैसा चाहिए ना। हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो सब पैसे के लिए, ठीक है। अब ये सवाल है कि पैसा क्यों चाहिए? तो जैसे इन्होंने शोहर ने बताया, इनको शोहरत, शोहरत का मतलब मैं बताऊँ। अब शोहरत तो देखिए, एक आदमी को उसके पास शानदार बंगलो है ना, बढ़िया उसके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, सब कुछ उसके पास अच्छा अच्छा मकान है, अच्छी कार है, बड़ी 20-50 लाख की कार है, पर उसकी शोहरत होगी कि नहीं होगी? होगी सर, होगी। मैं कहूँ यदि वो गुंडों की श्रेणी में आता है, क्रिमिनल है, स्मगलर है, तो क्या होगा? इसकी शोहरत होगी? नहीं, नहीं होगी, है ना। तो शोहरत के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? पैसा भी चाहिए, अच्छी कार भी चाहिए, अच्छी बंगले चाहिए, और एक अच्छी संगत चाहिए, एक अच्छी एसोसिएशन चाहिए, तब आपको सही शोहरत मिलेगी। शोहरत के लिए आपको अच्छी एसोसिएशन की भी जरूरत है, तब शोहरत मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, यदि आप में से, मुझे नहीं मालूम, ये तो ईश्वर को भी, मैं अनिल को भी यही बोल चुका कि ईश्वर की कृपा के बिना, अभी अनिल हमको यहाँ कमरे में आने की परमिशन नहीं देता, तो क्या हम इनके अंदर कमरे में आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। ऐसे ही आपको ईश्वर की कृपा होगी, मुझे नहीं मालूम कि आप में से किस पर कृपा है या नहीं, ईश्वर चाहता या नहीं, ये वो डिपेंड्स ऑन गॉड, वो आपको परमिशन देगा। तो आप इस काम को सही तरीके से समझोगे और उसको अप्लाई करोगे, भले ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा, इससे सवाल कर रहा हूँ नहीं कर रहा, पर ये समझ तो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो तुम्हारा नाम क्या है? सूरज यादव है। सूरज यादव, सूरज यादव है ना, वेरी गुड। सूरज यादव, सूरज यानी तुम्हारा भाई है क्या? नहीं सर। ठीक है, ओके। तो सूरज तुम्हारा कोई ड्रीम है क्या, कोई सपना है, कोई जैसा बस फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करना? हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, सपने की बात, मैंने एक 12 साल की लड़की को पहुँचा तो वो कापी ले आई अपने अंदर से और लिखना चालू कर दिया। उसने एक अच्छा मकान बनाया, उसने स्विमिंग पूल बनाया, स्कूल बनाया, एक डॉक्टर की उसने फोटो लगाए, उसने अपना यहाँ हॉस्पिटल डाला और ये और सब, एक डांस बना लिया उसने, डांस 12 साल की लड़की ने क्या ड्रीम निकाले, 10-12 ड्रीम कट 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 मुझे पॉसिबिलिटीज है, हर चीज़ होती है दोस्तों जीवन में, आपको हर वो सपना पूरा हो सकता है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी तुमको कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान के यहाँ स्वर्ग में एक भक्त, यानी जो पृथ्वीलोक पे था, भक्त था, उसने जिंदगी भर भगवान की सेवा करी, खूब सेवा करी, कुछ नहीं सामाजिक पारिवारिक कुछ कार्यक्रम नहीं, सब भगवान की सेवा करते करते एक दिन वो स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में गया तो भगवान ने कहा चलो भैया आ गए, है ना। फिर भगवान ने कहा कि यार इसको मैंने पृथ्वी पे भेजा था, पर इसने पृथ्वी पे आनंद तो लिया ही नहीं, इसने उसको सुखों को तो भोगा ही नहीं, चलो इसको मैं कम से कम एक दिन का एंजॉय करा देता हूँ, पूरा पृथ्वी लोग घुमा देता हूँ। तो ईश्वर उसको लेकर पृथ्वी पे आए, सुबह से लेकर घूमते रहे, कश्मीर और कन्याकुमारी वगैरह सभी जो ऊँटी ऊँटी जो जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सारी विश्व को दिखाए। तो शाम को चलते आखिरी आखिरी में उन्होंने कहा चलो एक और चीज़ आपको दिखाते, उन्होंने कहा चलो देखा, एक शानदार बिल्डिंग, बहुत शानदार बिल्डिंग बनाया, वहाँ पर उसका दरवाज़ा खुला, जैसे दरवाज़ा खुलता है तो उसमें 5-7 चमचमाती 50-50 लाख एक एक करोड़ 2 करोड़ की कारें थी, चमक रही थी वो, वहीं पर एक शानदार स्विमिंग पूल था, बड़े बड़े कमरे थे, सोने बैठने के सब कुछ। तो एक घंटा उसने उस कमरे मकान को देखा, देख के दंग रह गया कि क्या भव्य मकान है यार। जब वो बाहर निकले इस मकान से, तो उसने पूछा प्रभु ये तो बताओ इसमें रहता कौन है? उससे पूछा प्रभु ये तो बताओ मेरे को, मकान आपने इतना निशान बता दिया, इतनी चमचमाती कारें बता दी, पर मुझे इसमें रहते हुए तो कोई दिखा ही नहीं। तो प्रभु मुस्करा, प्रभु हंसे, क्यों हंसे? उन्होंने कहा ये बगले ही मकान तेरे लिया था, पर तूने कभी इसको मांगा नहीं, तूने कभी इसको मांगा नहीं, इसलिए तू इससे दूर रहेगा, पर इसलिए आज तेरे को
तो दोस्तों आज आप जीवन में जो भी मांगोगे ना, जो भी मांगोगे वो आपके पूरे सपने हो सकते हैं, 100% नहीं 1000%। उसके लिए क्या चाहिए मैं थोड़ा सा बताऊँ, केवल एक विश्वास अपने अंदर। मैं अपनी जिंदगी के सपने बताऊँ, मैं भी एक गाँव का किसान का लड़का हूँ, है ना, बहुत 12 भाई है और मैं 11 नंबर हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे छोटा था हमारे घर में, तो सब छोटा, तो मैं इस मंदिर में जाता था और रोज शाम को मंदिर में जाता था। ईश्वर से दो चीज़ें मांगता था, एक तो सदबुद्धि देना ईश्वर, और दूसरी मांगता था मुझे एक अच्छी लड़की से शादी करना। देखो आपने सुना होगा कि लड़कियां लड़कों के लिए उपवास करती है, सोमवार शिव की पूजा करती है ना, पर मैं भगवान की पूजा इसलिए करता था कि मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, बहुत छोटी सी उम्र से। एक मेरे दोस्तों जो जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना, मेरी जो कल्पनाएं थी उससे 1000 गुना ज़्यादा बेटर लड़की से शादी, और यही एक मेरी जिंदगी की सफलता का सीक्रेट है। तो दोस्तों आप भी आप और एक और छोटा सा, मेरी जिंदगी में हजारों सपने पूरे हुए हैं, पर उसमें से दो एक सपना और बता दूं कि मेरा बेटा 1.5 साल का था और मैं गांव से सड़क 2 किलोमीटर दूर से सड़क पर वो 10 किलोमीटर दूर खेल रहा था, तब मैंने अपने दिमाग के अंदर एक बीज बोया, सपने का एक बीज बोया कि मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, उस समय मुझे तनख्वाह कितनी मिलती थी, केवल 200 रुपये महीना तनख्वाह थी मेरी, ओनली 200 रुपीज पर मंथ, है ना। मुझे पता नहीं था कि मेरे को इसको कलेक्टर बनाने में कितना पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। जब मेरा बेटा एजुकेशन से बाहर हुआ, उस दिन उस IAS की डिग्री से 6 डिग्री ऊपर थी उसका एजुकेशन, है ना। आज वो अमेरिका में 18 साल से, लाइफ वेरी इंजॉय, बहुत फनी है मतलब, है ना, हम लोग भी घूम घाम का है, बहुत मजा किया। तो दोस्तों सपने सब पूरे होते हैं, सिर्फ आपको फिर से शिद्दत से उसकी मांग होना चाहिए। इसके मैंने अभी भगवान का उदाहरण भी दे दिया आपको, तो आपके अंदर वो जज्बात चाहिए कि हमको जीवन में चाहिए तो चाहिए मतलब, ठीक है। तो आपको ये बताओ कि ये कैसे हो सकता है, हो सकता है आपको, आप सोचते हो कि आपके पास सपने चाहिए, तो क्या चाहिए आपको। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अच्छा मकान नहीं चाहिए, मैं अनिल से ही बात करता हूँ। अनिल ये बताओ, ये मकान आपके पास यदि 1 करोड़ रुपए आ जाए तब भी आप इसी मकान में रहना पसंद करोगे या इसको छोड़ के किसी और कोर्स कॉलोनी में जाओगे। थोड़ा सा अपग्रेड होंगे, अपग्रेड होंगे मतलब ये मकान रहेगा, इसको किराए पे देंगे, ठीक है। अपग्रेड होंगे मतलब ये आज उनके पास यहाँ पे समय निकाल रहे, ठीक है, इट इज़ बेटर, लाइफ जो चल रही बहुत बढ़िया चल रही, तो अच्छे मकान की ज़रूरत है, ठीक है, अच्छे मकान की ज़रूरत है, ठीक है। और आप अच्छे मकान मतलब आप यदि एक मकान यदि 2000 स्क्वायर फीट का भी बनाए हैं तो, और उसको बनाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए उसको बनाने की, प्लाट की लागत वगैरह सब लगाओ तो, अच्छा प्लाट बनाओ तो 1 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए, है ना, 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ के मकान में रहेंगे तो कौन सी कार में रहेंगे, अल्टो में रहेंगे क्या, नहीं, है ना, कम से कम 20 लाख की क्रेटा कार चाहिए, 20 लाख की, हो सकता है अच्छा बिजनेस हो तो आप 50 लाख की मर्सिडीज कार भी ले सकते हो, है, और ऑडी भी ले सकते हो। तो आपको कार आप पसंद करते हो, चाहते हो ऐसा कि मौका मिले तो आप कार ले सकते हैं। आपने कभी पीथमपुर में अच्छी बड़ी बड़ी कारें देखी होंगी ना, तो आपको लगता है कि यार ये कार, काश आपके मुंह से कभी आपके जीवन में कार, मेरे को तो बहुत निकलता था, मैं तो छोटा बच्चा था, कलकत्ता में पढ़ता था, तो वहाँ पे लोगों के मकान दिखता था, काश मेरे मकान नहीं था घर में, मकान क्या था ठीक हो, तो मैं सोचा यार उनके पास इतने बड़े बड़े मकान थे, हमारे पास किसी के पास कार होती तो मेरे को लगता है ये हमारे पास क्यों नहीं। दोस्तों जिंदगी में, दुनिया में, इस धरती पे जितनी भी खुशियाँ हैं ना वो किसके लिए है, वो इंसानों के लिए। अब आप लोगों को तय करना है हु आर यू, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं इंसान हूँ कि नहीं, मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ, तो मुझे वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपको ये डिसाइड करना है कि जिंदगी में, दुनिया में, इस धरती पे जितनी खुशियाँ हैं वो सब मुझे मिलना चाहिए, राइट टू हैव दैट, है ना, तो वो चीज़ें मुझे मिलना चाहिए, अच्छा मकान, अच्छी कार, है ना, कार चाहिए कि नहीं चाहिए, कार क्या है, कार का एक साधन, आजकल वो साधन भी है लग्जरियस लाइफ होगी जीवन में। और आपको मैंने बताया कि पैसे की कोई टेंशन की बात नहीं है, यू विल गेट लॉट ऑफ मनी, है ना, तो अच्छी कार चाहिए आपको, कार अभी मान लो अनिल से मैं बात करता हूँ, अभी बड़ी कार नहीं, आप छोटी कार कौन सी पसंद करोगे, कौन सा कार की बात करोगे, फटाफट बताओ, अब मैं जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ, आप लोगों को टाइम ज्यादा नहीं होगा, आपकी दुकान कोई आप बोलो यार, ये कोई बोलो, अपनी अपनी चॉइस अलग अलग बताओ, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग होती है, कोई भी एक्साइटेड है कि नहीं यार, इनके ड्रीम है कलर, कलर 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 ब्लैक, ब्लैक कलर, ठीक है, कौन सी कंपनी या जैसे
मारुति है या टोयोटा है या होंडा है? होंडा की। होंडा की, ठीक है। कितने में पड़ेगी अपन मान लेते हैं इसको भी, आप कोई सी भी लोगे तो 10 लाख से कम की नहीं आएगी, है ना? 10 लाख मान लें, अभी छोटी कार भी माने तो 10 लाख से, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, आपके पास आपको घूमने फिरने का किसी का शौक है क्या? देखो मैं बहुत गांव में छोटा सा था, मैं सच बताऊं क्या हालत थी, मुझे कुछ नहीं मालूम यार, फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। आठवीं से मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, MSc करने थे कोई और फीस भरते थे, मुझे उसकी चिंता नहीं कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, मेरे सपनों के पीछे पड़ना, आई फॉलो माई ड्रीम्स। उस समय मैं सोचता था मैं गांव में छोटा सा था तो मैं रूस की जाऊँगा, रूस है ना, रूस नहीं गया, रूस से वर्ल्ड की सबसे एक क्लास कंट्री अमेरिका पहुँच गया, है ना भाई, पर हम बहुत मजा गया, बहुत मजा गया। तो आपका यदि कोई सोचते हो कि आप फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, विदेश यात्रा, आपको और आपकी वाइफ को यदि फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने फिरने को मिले, 5 स्टार होटल मिले, सब कुछ मिले, आप ज्यादा पसंद करेंगे कि नहीं? ओके, तो विदेश यात्राएं आपको चाहिए। चौथी चीज है जो हम लोग सभी लोग, भगवान ने हमको सबको मनुष्य जीवन दिया। देखो भगवान कहते हैं कि 84 लाख यूनियों में मनुष्य जीवन मिलता है, क्या जिंदगी भर हम अपने लिए सोचते नहीं? मैं बताऊंगा कि पैसा बनता कैसे। मैंने 28 साल सरकारी नौकरी करी, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता था, मुझे ये नहीं पता था कि पैसा बनता कैसा है। मैं आपको पता नहीं होगा कि पैसा कैसे कमाते लोग, पैसे कमाने का एक तरीका बताऊँ कि पैसे कैसे कमाते हैं, पता नहीं। तो दोस्तों ये बता रहा हूँ कि पैसा कैसा बनता है। पैसा बनता है टाइम इनटू वर्क। आप लोग अंग्रेजी सभी लोग जानते हैं, टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू मनी, ये इसका सीधा सीधा फंडा है। तो आप समय डालोगे और काम करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है। दुनिया में अनिल भाई की दुकान है, दुकान में शटर बंद कर देंगे तो इनकी इनकम होगी, मतलब टाइम इन्होंने बंद कर दिया तो इनकम क्या हो जाएगी? जीरो। अभी दुकान खोल के बढ़ जाए और वहाँ पे दुकान खोल दे और ये रहे ही नहीं तो इनकम होगी नहीं। तो हर आदमी को समय डालना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जॉब वाले को भी, बिजनेस वाले को भी, हर आदमी को, तब उसकी इनकम होती। तो आप टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू मनी, ठीक है। अब आपको बताओ कि आपको यहाँ पे टाइम दुनिया में सबके पास कितना है, सभी के पास, अनिल भाई के पास कितना है, इनके पास कितना, आपके पास कितना है? 24 आवर्स, राइट, 24 आवर्स। हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास भी 24 आवर्स, रिलायंस के मुकेश अंबानी के पास भी 24 आवर्स है, पर इस 24 आवर्स में कोई शाम की रोटी के लिए भी मोहताज है और कोई लाखों करोड़ों रुपए रोज की इनकम कर रहा है। क्यों, क्या ऐसा उन्होंने काम किया कि आज उनकी इतनी इनकम है, और आज क्या ऐसा हम नहीं कर पा रहे जो हमारे पास ये चीजें नहीं है? मैं आपको वो रहस्य बताने आ रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये 24 घंटे में गए, तो हमारे पास 24 घंटे क्या है, दिस इज कॉल्ड द कॉमन है, ये एक तो कॉमन है सबके पास और दूसरा ये लिमिटेड है कि नहीं? 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास है नहीं, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड। अब मैं आपसे पूछता हूँ वर्क हर आदमी किस हिसाब से करता है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, जिसके पास जैसी जैसी एबिलिटी है वैसा वैसा वो काम करता है। तो ये एबिलिटी मतलब मान लो कितने कलेक्टर इंजीनियर बने, नो कोई नहीं, एक बार कोई कलेक्टर बन गया तो वापस इंजीनियर बनने नहीं आएगा, ठीक है। या कितने इंजीनियर डॉक्टर बने, नो एंड पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एबिलिटी है ना, वर्क जो एबिलिटी से करते हैं, ये एबिलिटी भी लिमिटेड है। अब इंजीनियर भाई बैठे हैं, इनके सुना यार तुम इधर देखो, हाँ, तो ये लिमिटेड से लिमिटेड को गुणा करोगे तो क्या करोगे, इनकम क्या होगी? आज इनकी इनकम, आपकी इनकम, हमारी सबकी इनकम लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा टाइम लिमिटेड है, हमारी एबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए हमारी लिमिटेड इनकम है। यदि आपको ये अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम को अनलिमिटेड करना पड़ेगा, आपको एबिलिटी को अनलिमिटेड करना पड़ेगा, तो आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो सकती है। वन ऑफ यू कैन बी डिसाइड कि हाउ इट कैन बी। तो मैं बताऊँ कि ये कैसे होगा, ये 2 मिनट में बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपको टाइम और ये अनलिमिटेड करना पड़ेगा, तब आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। 1934 में विश्व का एक पहला अरबपति बना जिसका नाम जॉन पॉल गेटी, नाम सुना तो आप लोगों ने जॉन पॉल गेटी का नाम सुना, वेरी गुड। तो जॉन पॉल गेटी विश्व का सबसे पहला अरबपति बना, तो उसने एक किताब लिखी हाउ टू रीच यू, हम अमीर कैसे बनेंगे। उस किताब में उसने 4 फंडे बताए, किसी भी आदमी को अमीर बनना है यदि वही 4 सिद्धांतों पर काम करता है तो मल्टा मिलियनियर बन सकता है,
हुआ ना भी, कोई चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गाँव के हो, शहर के हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला है कि कोई भी आदमी जॉब से अमीर नहीं बना, अमीर बनने के लिए उसका स्वयं का व्यापार होना चाहिए। दूसरी चीज बताए कि व्यापार उस चीज का जो गरीब अमीर को सुबह शाम लगने वाला सामान हो, जिसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, FMCG का प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि आप कोई भी आदमी जैसे अनिल भाई है, यदि ये दुकान बंद कर देते इनकी इनकम कितनी होगी? जीरो। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, 10:30 बजे जाके दस्तखत करता था और उसके बाद एक घंटी बजाता था, चपरासी को बोलता था भैया पानी पिला दे। आज की मजदूरी पक्की, आज की नौकरी पक्की हो गई। क्यों? क्योंकि यदि नौकरी को कुछ हो जाए तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्यों? क्योंकि मेरे पास केवल एक सोर्स से मेरी 100% इनकम हो रही थी, मेरी सारी तनख्वाह से ही मेरा घर चलता था, मेरे बच्चों को पालना था, तो मैं मेरी नौकरी से चला था मेरा 100। अब मुझे मैं 10:30 बजे भाग के क्यों जाता था? क्योंकि ये नौकरी बंद हो गई तो इनकम मेरी जीरो हो जाएगी। इनसिक्योरिटी फीलिंग, असुरक्षा की भावना से भाग के हम जाते थे, डरते थे। अभी सर कहाँ? सर हाँ सर आ गया सर, याद हो मिस्टर 10 मिनट लेगा, सॉरी सर मैं कर नहीं सकता। इनसिक्योरिटी, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी इनकम जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इस जॉन पॉल गेटिने का, इस बंदे के यदि 100 सोर्स हो और हर सोर्स से 1% इनकम करके यदि ये 100% इनकम करता हो, इसमें से यदि इसका एक सोर्स बंद भी हो जाएगा, इसकी 99% इनकम जारी रहेगी। अनिल भाई के यहाँ 100 दुकानें ऐसी हो जाए, 2 दुकानें बंद कर दे तो भी इनको इनकम आती रहेगी, ठीक है। तो ये उसका यही कहना है कि यदि आपको 100 सोर्स हो, उसमें से एक सोर्स बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं चौथा इसका फंडा बताऊं। इस आदमी ने कहा कि यदि ये 4 सिद्धांतों में कोई भी आदमी काम करता है तो आने वाले 3 से 5 साल में मल्टा मिलियनेयर बन सकते हैं। उस पावर को मैं बाद में बताऊंगा। तो पहला ये इसने कहा कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को आप डुप्लीकेट करिए। अनिल भाई की जैसे दुकान चल रही, दुकान को इनको डुप्लीकेट करना है, मतलब आपको भी दुकान खुलवा देना, इनको दुकान खुलवा देना, इनको दुकान खुलवा देना, पॉसिबल है क्या सर? नहीं। और जो मैं घंटा बताऊंगा, जो बिजनेस बताऊंगा, उसमें ये पॉसिबल है। तो इसको डुप्लीकेट करके इसको कॉपी करें। यदि आप ये 4 तरीके से काम करते हैं तो आने वाले 3 से 5 साल में हर आदमी की 2 से 5 लाख रुपये महीने की इनकम 3 जनरेशन में। एक जनरेशन नहीं, आपको आपकी जिंदगी भर मिलेगा और आपके बाद आपके बच्चों के बच्चों को मिलेगा। तो ये कैसे मिलता मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कैसे इनकम होती इसके बारे में बताएंगे। दुनिया में 4 क्वाड्रेंट के है। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की कोई किताब पढ़ी, रिच डेड पुअर डेड? किसी आपने आपने एक इंटरनेशनल राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, है ना। तो उसने बताया कि दुनिया में 4 तरह की इनकम करना आमदनी होती है, 4 तरह के लोग होते हैं जो 4 तरह के इनकम करते हैं। थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में 5 मिनट में प्लान बता दो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक। मैं बता दूँ कि आप 2 लाख रुपये महीने कमाओगे तो आपके दिमाग में कैसे ऐसा होता है? अभी तक तो सुना नहीं ऐसा किसी पर आपको। तो पहला क्वाड्रेंट है इसमें ई, ई मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। SE मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे जैसे अनिल भाई को रखो सेल्फ एम्प्लॉय। तो इस क्वाड्रेंट में ये लोग टाइम देते हैं हमेशा, जब जब ये टाइम डालेंगे तो इनकी इनकम होगी, है ना। यहाँ पे क्या टाइम, ये टाइम डालेंगे तो ही इनकम होगी, ये टाइम डालना बंद तो इनकी इनकम बंद, ठीक है। और ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है और ये राइट क्वाड्रेंट है। इसमें होता है एक बिजनेसमैन और एक ये होता है आपका इन्वेस्टर, है ना। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, यहाँ पे लगभग इसके 1000+ से ज़्यादा के एम्प्लॉय होते हैं वो बिजनेसमैन। इंदौर में ऐसी कौन सी दुकान है जिसमें 1000 के रोजगार काम करते हैं? शायद एक भी नहीं, ठीक है। पर और इन्वेस्टर मतलब जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल जिसने बना दी, वो डॉक्टर नहीं है पर उसने बिल्डिंग बना दी, पैसा लगा दिया, इनकम आती रहेगी कई बिलियों तक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। यहाँ पे भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ भी ये लोग काम नहीं करते। यहाँ कौन काम करता है? सिस्टम। मुकेश अंबानी ने सिस्टम बना दिया, आपको 8 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक नौकरी करना है, उसके बाद घर जाओ। हर एक की दूसरी पारी भी तीसरी पारी, वहां पे क्या काम करना है? सिस्टम बना दिया है। यहाँ इनका क्या है? सिस्टम काम करता है, यहाँ पे आदमी काम नहीं करता। और सिस्टम इनको 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 कभी भी पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए कौन काम कर रहा है? पैसा काम कर रहा है।
और इनको पूरी मरते दम तक मरने के बाद भी इनको पैसे के लिए काम करना पड़ता है, ये फर्क। अब एक और मजेदार बताओ, दुनिया में जितनी संपत्ति है ना, ये इस श्रेणी में 80% लोग आते हैं। कब इसको आप 95% मान लो, इसमें इस श्रेणी में 95% लोग आते हैं और इस श्रेणी में आते हैं 5% लोग। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, मुकेश अंबानी मर जाएगा तो उसके बच्चों को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कई पीढ़ियों तक मिलेगा, है ना, जनरेशन इतना उन्होंने स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया। तो इनकी ऐसे इस आते हैं, ये 5% है और ये 95%। और एक जब जिससे भी मजेदार बात है, अब आप सबसे बड़े इन 95% पर दुनिया की जितनी भी संपत्ति है वो 80% संपत्ति, सॉरी 20% संपत्ति इन लोगों के पास है। इनके पास दुनिया की कितनी संपत्ति है? 20%। और इन पर दुनिया की कितनी संपत्ति है? 80%। दुनिया की जितनी भी संपत्ति है, मुकेश अंबानी भारत का नंबर 1 करोड़पति और विश्व के टॉप 10 में भी शायद 7वें या 9वें नंबर पर चला गया। नहीं सर, हैं 38 नंबर पर चला तो गया ना, टॉप मतलब 100 में तो आ गया ना, पांच बड़ी बात थोड़ी। तो ये 80% पे, ठीक है, 80% दुनिया की संपत्ति इन लोगों के पास है। दुनिया की 20% संपत्ति, मेरा ये कोना क्यों तोड़ दिया, ये सामने वाले ने एक ईंट इनको मारी, है ना, ये गए ऊपर, वो गए जेल में, मतलब दोनों परिवार के पास। हमारी जिंदगी इस तरह से खत्म कर रहे हैं, हमें 20% लोग आपस में लड़ गए, ठीक है। तो हमको इससे बचना है, कैसे होगा ये पॉसिबल, मैंने फंडा ये दूसरा। तो आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इनका सिस्टम काम कर रहा है, ये पैसे के लिए, पैसा इनके लिए काम कर रहा है। अब हमको यदि आप लोग भी इस सिस्टम से यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं इसका एक तरीका, मैंने जॉन पॉल गेटी वाला बताया है वो कैसे काम करता है, मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट में। बिजनेस बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, इतना सरल है कि जिसकी दोनों आंखें नहीं है उस बंदा भी आज इस बिजनेस से 2.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा है। जिसके दोनों हाथ नहीं है उसकी 2.5 लाख रुपये महीने की इनकम है। जिसके दोनों यहाँ से पैर कटे हुए हैं उसकी इनकम बहुत अच्छी है। घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत 2-3 लाख रुपये महीना कमा रही है। क्यों? इसकी भी मैं एक कहानी बता दूँगा। एक बार एक आदमी को अमीर बनना था, पढ़ा लिखा था, आज जैसे इंजीनियर था, उन्होंने कहा इनके पास है तो कुछ नहीं, इनके पास है तो कुछ नहीं पर अमीर बनना है। ये बाजार में गए, उन्होंने कहा आप देखें यार क्या हुआ। तो इनको समझ आया कि मोबाइल की दुनिया आने वाली, मोबाइल का बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, चलो अपन इसकी इंडस्ट्री डाल लें, ठीक है। तो उन्हें फिर गया तो क्या, एक मोबाइल लिया और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में गया, भैया मेरे को एक मोबाइल बनाने की इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा ठीक है बना दे दो। 3 महीने में उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 3 महीने में उसको, है ना, CA ये लग गया। दूसरा जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना 2 करोड़ का, है ना। तो ये जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसके हाथ में आया तो फिर गया उसके पास, बैंक के पास, है ना, बैंक में गया कि भैया मेरे प्रोजेक्ट पर फाइनेंस कराना। तो बैंक का लाने का आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे जाओ, उसको फाइनेंस होगा दे देंगे। 3 महीने हो गए, इसको बैंक से 3 महीने में इसको लेटर आया कि हम आपको लोन कंसिडर कर सकते हैं आपका। तो जैसे इसका आया तो इसने यहाँ पे एक CE मतलब चार्टर्ड इंजीनियर को अपॉइंटमेंट कर दिया, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम करता है। तो इसने और साथ में उसको दे दिया, 1.5 साल लगे यहाँ पे, मतलब 12 से 18 महीने ये हो गए, ये हो गए आपका 2 वर्ष, है ना। 2 वर्ष में उसको फाइनेंस हो जाता, 2 वर्ष में फाइनेंस हो गया तो उसने यहाँ पे एक मैकेनिकल इंजीनियर को अपॉइंटमेंट कर दिया और इसको बोला कि आपको इसमें जो प्रोजेक्ट में प्रोफाइल्स में जो मशीनें वगैरह इनके ऑर्डर करना है, लगाना है, कराना, इनको प्रोडक्शन में लाना है। 3 साल में उसका कारखाना रेडी फॉर प्रोडक्शन हो जाता है और 3 साल में रेडी फॉर प्रोडक्शन होने के बाद में मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल को सबको अपॉइंटमेंट दे देता है और 4 साल के अंदर अंदर उसका कारखाना रेडी फॉर बिल्कुल स्मूथ चलने लगता है। 4 साल बाद वो कारखाने में 4 बजे आता है, अपनी कार से आता है और अपने 4 मैनेजर्स का काफ़ी पीता और चला जाता है। इस कहानी में 2 किस्मों के लोग हैं, एक वो है जिनके पास हवा है और एक वो है जिनके पास हाउ। क्या आप बता सकते कि हवा वाला कौन है, हवा वाला कौन है? मैं बताता हूँ, ये जितने भी लोग हैं, CA है, चार्टर्ड बैंक वाला है, चार्टर्ड इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मार्केटिंग वाले हैं, ये जितने भी लोग हैं, सिर्फ ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, उसका नाम है हाउ। यहाँ से देखो, उसका नाम है हाउ, हम कैसे। अरे यार तुम बाहर वाला ध्यान देना, बस सुनील अनिल भाई देख लेगा। तो उसको वो है कि ये लोग केवल हाउ जानते हैं कि हम काम कैसे करें, इनका ये पता नहीं कि वहाँ क्या है। इनके पास वहाँ
नहीं है, वहाँ किसके पास है? केवल एक व्यक्ति के पास जिसने ये कारखाना लगाया, जिसको कुछ नहीं आता, पर उसको अपनी जिंदगी बेहतर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, सब कुछ उसने यहाँ पे इन सारे लोगों को काम दे दिया, खुद इंजॉय कर। ये बिजनेस दोस्तों उन लोगों के लिए जिनके पास बड़ा भाई है, जो लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस है। तो दिस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी। ये कैसे होगा ये मैं 2 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन दूंगी कि बिजनेस कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप ये बताइए, आप में से कितने लोग कस्टमर हैं? अनिल भाई मेरे को थोड़ी देर बाद बाहर कर देगा। आप में से कितने लोग कस्टमर हैं? सब लोग कस्टमर? यस रेडी। दुनिया में जितने भी लोग हैं, राष्ट्रपति भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, किसी भी कंट्री का, वो सब में सब कस्टमर है। तो हम क्या है? सब कस्टमर है हम। यदि आप मान लो हम हमारे पास कोई पावर है क्या कस्टमर के पास? नो, है ना, हमको एम्पावर्ड है नहीं। पर मैं आपको जो एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, बहुत सरल है, पर आसान बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सरल तो मैंने बता दिया, तो इसमें हम सब कस्टमर है ना। अब मैं आपसे पूछूँ कि शुभम आप बताओ कि आपको 1000 रुपये दिए आपके पापा ने और बोला कि आप अनिल भाई की दुकान से और इनसे सामान ले आओ, और अनिल से सामान से आपने कपड़े धोने का, बर्तन मारने का, पोछा लगाने का सामान 1000 रुपये का लिया, 2000 का लिया, ठीक है। और आपने अनिल भाई को जैसे ही 2000 रुपये अपनी जेब से निकाल के दिए, आप कमजोर होते हो कि मजबूत? कमजोर। आपके जेब से आपको भले इन्होंने सामान दिया, पर आप फाइनेंशियली वीक हुए कि नहीं हुए? तो हम हर आदमी कमजोर होता है, राइट? एग्री कि नहीं एग्री हो? करेक्ट। मैं आपको बताऊं, ये 2000 रुपये जैसे आप अनिल भाई को दो और आप मजबूत बनो तो कैसा रहे? आपको सामान भी 2000 का मिल रहा है और आप मजबूत भी बन रहे हो तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? पसंद करोगे इसको? देखना, बस ये 5 मिनट का काम है जो मैं बता दूंगा, 5 मिनट में ये कैसे होता है। और अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको हम बोलते हैं CEO, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं इसको? CEO, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अभी मैंने ये बता दिया, मैं आपसे यहाँ बताऊँ, अभी दुनिया में जितनी भी दुकानें हैं इंदौर की और ये जितनी भी दुकानें, इन सारी दुकानों का नाम एक नाम दे देते हैं हम, ए शॉप, जैसे अनिल भाई की दुकान भी इसमें आ गई है ना। तो ये इन सारी शॉप का नाम क्या दे देते हैं? ए शॉप। अभी आप जिन दुकानों से सामान लाते हो, क्या उस दुकानदार ने कभी आपको ये बोला कि हमारा सारा सामान 100% शुद्ध है, प्योर है, खाने का तेल, नहाने का साबुन? बोलते नो। बोलो यार जल्दी, बोल दो जल्दी, बोलो खुद, मैं आपको नो, ठीक है। क्या ये 100% नेचुरल होने की बात करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर नेचुरल है तो नेचुरल सामान हमारा शरीर आसानी से स्वीकार कर लेता है, कोई नहीं बोलता, बोलता है क्या? तीसरी चीज, क्या आपको 100% मनी बैक गारंटी देते हैं कोई भी दुकानदार कि मेरे यहाँ से साबुन ले जाओ, नहा लेना यार, नहीं पसंद आया तो ले आना, मैं तेरे को पूरे पैसे वापस दे दूंगा? 100% मनी बैक गारंटी देते हैं क्या? नो, है ना, 100% MBC, मनी बैक गारंटी, MBG, ठीक है। तीस चौथी चीज है कि क्या आपको ये डिस्काउंट देते हैं? हाँ, आप दोस्तों हो बने, आपको अनिल भाई 1% 2% दे देंगे, या कोई माल होगा तो वहाँ आपको 5% मिल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 2%, है ना। तो यहाँ पे वैसे जनरली कोई डिस्काउंट नहीं देता है, ये भी नो, ठीक है। पांचवी चीज़ है, आप यहाँ पे आपको कोई स्कीम के फ्री में प्रोडक्ट मिलते हैं? 2000 में आपको 200 रुपये का सामान फ्री में मिलता है क्या? नो, है ना। स्कीम के फ्री में प्रोडक्ट मिलते हैं, कोई कंपनी दे रही हो बात अलग है, कोई दुकान से आपको स्कीम का कोई प्रोडक्ट फ्री में आता है? नो। छठी चीज़ है, क्या आपको आप दुकान के किसी के, हम लॉयल कस्टमर है, मैं खरगोन जाता था दुकानों पर लिखा रहता, विश्वसनीय ग्राहक, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर समझ में अब आया कि हम उनके विश्वसनीय ग्राहक थे, है ना। हम उनके विश्वसनीय ग्राहक हैं, क्या हमें उसका कभी लाभ आज तक मिला है? तो बंद कर देना, है ना। विश्वसनीय ग्राहक होने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं, तो विश्वसनीय ग्राहक होने का फायदा मिला क्या? नहीं। जिसको हम बोलते हैं लॉयल कस्टमर, आप लॉयल कस्टमर, लॉयल कस्टमर होने का कभी फायदा मिला? नहीं, नो। आप सातवीं चीज दोस्तों, आपको आप यहाँ पे आपको कोई कैशबैक मिला? आपको अगले महीने कोई कैशबैक आया? नो। आठवीं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पतंजलि का फ्रेश अच्छा लगा, आप अपनी मम्मी के लिए लेके, उनके दांत अच्छे हो गए, आपने 10-20 दोस्तों को बोला और 5-10 दोस्त भी उस पतंजलि का फ्रेश वापरने लगे, उससे आपको कभी कोई फायदा हुआ? दिस इज कॉल्ड द रिफरल, हम रिफरेंस दे रहे हैं, है ना, रिफरल बोनस बोलते हैं। आपको रिफरल बोनस कभी मिला? नहीं।
क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, देयर इज नो सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए नहीं मिला। मैं आपसे कहूं कि आपको आठों के आठों फायदे गारंटीड मिले 100% गारंटी के साथ, तो क्या आप ये एक दुकान बदल सकते हैं? हाँ या ना? ओनली यस सर। ये आठों फायदे मिलने के बाद भी अपन ये दुकान नहीं बदल सकते क्या? ये आठों फायदे मिलेंगे आपको, आपको 100% शुद्ध सामान भी मिलेगा, 100% नेचुरल सामान भी मिलेगा, 100% मनी बैक गारंटी भी मिलेगी, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, स्कीम के फ्री में प्रोडक्ट भी मिलेगा, लॉयल कस्टमर का बेनिफिट भी मिलेगा, कैश बेनिफिट भी मिलेगा, और आपको रिफरल करो तो उसका फायदा भी मिलेगा। आठों के आठों फायदे गारंटेड मिलेंगे 100%। तो क्या अपन ये शॉप बदल सकते हैं? यस। तो ये होगी बी शॉप। अब ये कहोगे ये बी शॉप किसकी है? अभी अनिल भाई की दुकान है, दूसरी कंपनी का लक्स का साबुन है, इसका साबुन है, इसका साबुन है, तो दुकान इनकी अनिल भाई की क्यों कंपनी वालों की? इनकी है। इसी तरह से इस कंपनी के, इस दुकान के मालिक कौन है? हम। और यहाँ पे हमारे पास एक जो 17 साल से एक ऐसी कंपनी जो भारत की नंबर एक कंपनी है और विश्व की टॉप 10 में 7वें नंबर पे, विश्व की टॉप 10 में भारत की एकमात्र कंपनी है और वो आज भारत विश्व में 7वें नंबर पे, पहले 100 में थी, टॉप 100 में, 10 में आ गई। और तो टॉप पे में उसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्रोडक्ट लिमिटेड जो 17 साल से चल रही है और भारत की कंपनी है। तो वेस्टीज का कहना है इसके सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जितने भी क्लेम सारी चीज़ें क्लियर है इसकी, कोई डाउट नहीं। और आज की तारीख में 9 देशों में इसका व्यापार चल रहा है, भारत के अलावा 9 देशों में व्यापार जा रहा है, तो इसी सिद्धांत पर आपका व्यापार भी जाता है। तो यहाँ पे बी कस्टमर मतलब यहाँ पे आप भी खुद इसके मालिक हो जाते हैं। यदि आप यहाँ से सामान लेते हैं तो आपको 100% बी और शुद्ध सामान की गारंटी देती है, 100% नेचुरल सामान की गारंटी देती है, आपको 100% मनी बैक गारंटी देती है। यदि आपको कोई सामान खरीदने के दिनांक से 30 दिन के अंदर अंदर 30% उपयोग करने पर भी आपको पसंद आया और वापस करो तो कंपनी पूरे पैसे वापस गारंटी देती है। आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% से लेकर 20% कैश डिस्काउंट मिलता है। इसको मैं कैश डिस्काउंट इसलिए बोलता हूँ कि आपको जो एमआरपी यदि मान इस पेन की 20 रुपये है और आपको 10% मतलब 4 रुपये इसमें आपको बेनिफिट, 10 रुपये का 2 रुपये का बेनिफिट मिलता है, तो आपके जेब में 2 रुपये बचे कि नहीं बचे? कैश बचा कि नहीं? तो इसलिए कैश डिस्काउंट मिलता है। आपको स्कीम की इसमें हर बिल के ऊपर 10% स्कीम के प्रीमियम प्रोडक्ट मिलते हैं। आपको लॉयल कस्टमर यदि आप दुकान से लगातार सामान खरीदते जा रहे हैं तो 20% प्रोडक्ट कंपनी आपको और फ्री में देती है। और आपको कम से कम 5% से लेकर 11% कमीशन आपके बैंक खाते में आता है और रिफरल बोनस भी करते हैं तो आपको 5% से लेकर 10% नगद पैसा आता है। ये सब कुछ मिला के लगभग 60% पैसा कंपनी आपको वापस देती है। कितना देती है? 60% पैसा यदि आप यहाँ से सामान खरीदते हैं तो आपको वापस आता है। अच्छा है बुरा है? अच्छा है, वेरी गुड। और मैं ये कहूँगा पर आप में से एक भाई ने ये सवाल किया है, अब मुझे नहीं मालूम किसने सवाल, पर मेरे पास एक मैसेज आया, अंकल आप ये बताओ कि ये कंपनी 60% पैसा देती है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कंपनी हमसे 60% पैसा ज़्यादा ले रही है, राइट ना? तो ये दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज राइट क्वेश्चन। मैं आपको बताऊँ कि अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि देखिए यहाँ पे अभी आप हैं, अभी क्या है आप कस्टमर, और हम कष्ट जो कस्टमर होता है उसको बोलते हैं कष्ट धन मर, जो कष्ट से मर रहा है उसको बोलते हैं कस्टमर। अभी आपको कोई सामान रखता है तो आप किसकी दुकान से लाते हो? रिटेलर। अनिल भाई की दुकान कौन सी कहलाती? रिटेल शॉप कहलाती। थोक की दुकान इनकी? नो, रिटेल शॉप। ये कहलाता है रिटेलर। अनिल भाई किससे लाते हैं? किसी होलसेलर से। ये किससे लाते हैं? किसी होलसेलर से। होलसेलर किससे लाता है? किसी डिस्ट्रीब्यूटर को। ये होलसेलर किसको ऑर्डर करता है? डिस्ट्रीब्यूटर। इसकी कोई दुकान नहीं होती, इसके बाद 5-10 मोबाइल लेता है, इतनी बड़ी दुकान बहुत बड़ी होती है, वहीं से ऑर्डर लेता है और ये सीधा ऑर्डर देता है किसको? स्टॉक होस्टों को, जो देवास नाकर में जिनकी दुकानें रहती है उनको स्टॉक। ये स्टॉकिस्ट के यहाँ सामान कौन रखता है? जो पीछेपुर में जितने इंडस्ट्रीज में कारखाने में सामान बनता है वो कंपनियां यहाँ सामान रखती है, इन कंपनियों को बोलते हैं MFG मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है? इस कंपनी में जो सामान बनता है उसकी जानकारी आपके घर तक कौन देता है? क्या ये लोग देते हैं? नहीं, इसके लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अभी आप टीवी देखते हैं, टीवी में पहले लक्ष्य में वो मैडम आती थी, क्या नाम उसका, दीपिका पादुकोण है ना, सुंदरता में मेरा हक है, किस चीज़ के लिए? क्योंकि मैं लक्ष्य सुनाती है। अब वो अब बंद कर दिया, आप दूसरी मैडम नामने लगे, ठीक है? उसने केवल 20 सेकंड बोलने का 5 करोड़ रुपए दिया, 35 करोड़, जो उस लक्ष्य से आएगा वो पे करेगा, ठीक है? तो यहाँ भी एडवर्टाइजिंग, ये 5 लोग केवल एक ही काम करते हैं कि इसका सामान आपके घर जाए।
तो जो सामान इस कारखाने को 30 रुपए में पड़ता है, 10 रुपए इसका मुनाफा लगा दो, 40 रुपए का सामान इन लोगों के माध्यम से आते आते आपके घर में 100 रुपए का हो जाता है। वेस्टी का कहना है कि ये कस्टमर जो कस्टमर केवल एक ही काम करे, इस रिटेलर शॉप को बदल के यहाँ से सीधा सामान लेना चालू करे, जो पैसा 60% 50 से 60% पैसा उसके गाढ़े पसीने का इन लोगों के बीच में जा रहा है, वही 60 से 70% पैसा कंपनी आपको वापस देगी। 62% पैसा आपको रिटर्न कर देगी कंपनी वेस्टी आज की तारीख 62%। अभी 60% था, 2% और। तो दोस्तों ये बिजनेस है, इसमें कैसे होगा क्या होगा हम आपको फिर बताएंगे। मैन विल बी टेक ए डिसीजन।